हम निकल चुके हैं जंगल की ओर। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं। ये है चींटियों का महल। भूख के मारे फैन विला एक हुआ है। ये क्या हो रहा है हर्ष? ओ अक्षय कुमार का फैन। आज आपको विला टूर मिलेगा। ये है हमारा रूम और ये है भारती की सही जगह। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू आवर चैनल LOL। पति का बर्थडे माइंड ब्लोइंग रहा, सब हैप्पी है। ससुर जी और रूपा यहाँ छुपे हुए थे और लोगों की चोरी कर रहे थे। इसी की कल आपने लुंगी पहनी थी, आज इसी का पजामा रातों रात कैसे बनाया सासू ने? ए रूपा मत तोड़। अच्छा वीडियो में बोल रहे हैं अभी, अरे रूपा ना तोड़। और पहले कह रहे थे ए रूपा आगे बढ़ना, तोड़ तोड़। चीकू चीकू जुत्ती चीकू 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 क्या आलू? तू क्या बोल रही है? नहीं चीकू चीकू इसमें ए वाले ये पेड़ में ज्यादा है तभी ये झुका हुआ है। कहते झुकते वही है जिनमें फल लगते हैं। ये देखो अकड़े खड़े हुए हैं। झुकेगा नहीं। अब ससुर जी कह रहे हैं रहना दे बहु काचा छे। पहले ओ देखो पकड़ जे। ओ अक्षय कुमार का फैन। गाइस आज फिर ये देखे बारात आ चुकी है, ऐसा माहौल हुआ है। ओ गॉड ये वो। सो मैं आपको बता दूं कि आज हम ब्रेकफास्ट में कुछ लोग गोभी पराठा खा रहे हैं, कुछ लोग मूली पराठा, और हमारी पराठा स्पेशलिस्ट मोए 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 हमारे साथ है क्योंकि बिरयानी हमने नहीं बनवाई क्योंकि बिरयानी का खेत होबा कर देती है और आज कुछ ज़्यादा लोग थे तो इसलिए ज़्यादा बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए मोए मोए जिसमें परफेक्ट है वही काम कर रही है ना। चलो 1 2 3 मोए 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 कर दिए हैं। मैं आज बना रही हूँ लंगर वाले आलू और साथ में बन रही है पूरी। लंगर वाले आलू यार पतले पतले आलू होते हैं ना, मजा आ जाता है। और इसने सुबह सुबह तंग किया हुआ मेरी बहन ने, कहती मैं नहीं पूरी खड़ी पराठे दे दो। अभी उठी 15 मिनट पहले मेरी बहन ने ना ब्रश किया ना पेट साफ हुआ। ब्रश किया पेट साफ हुआ ज्यादा ही हुआ इसीलिए ज्यादा। जब भी बात करो ये हो जाता है। A few moments later. दोस्तों लंगर वाली मेरी आलू की पंजाब में लोंजी कहते हैं वो रेडी हो गई है और इधर चाय रेडी है, पूड़ियाँ बन रही है लाइन पे लाइन, सारी लाइन पतली लेकिन ये लाल पेट आगे आया हुआ है। Oh no! तो चलिए बिना नमक चेक किए बनाया है, तीनों को पूछते हैं। नमक सच्ची बताओ ठीक है? एकदम फर्स्ट क्लास टेस्ट है। पक्का? पक्का ठीक है। हाँ जी संतोष जी 5 स्टार भी फेल है। ओ मतलब लगा ना संतोष है कि अमृतसर लंगर दिए। बहुत अच्छा। आखिरी बार खा लो क्योंकि मेरे पास अभी थोड़े ही पैसे बचे हैं। तुम लोगों के पास पैसे हो तो तुम लोग मंगा के खा लेना। इस विला में जो लोग काम करते हैं 8 में से 7 लोग तो उड़ीसा के ही है, तो मुन्ना और शीला को बहुत अच्छी कंपनी मिली है। कहते मैम जब आप लास्ट टाइम एमबी वैली आए थे तो आपने जंगल में जाके खाना बनाया था, तो इस बार हमने आपके लिए कुछ प्लान किया है, हम आपको बना के खिलाएंगे। तो राम निकला रहे, देव मानुष निकला रहे। तो सब लोग रेडी हो रहे हैं, मैं भी रेडी हो रही हूँ, देखते क्या है यार, हाउ स्वीट। तो गाइज हम निकल चुके हैं जंगल की ओर, हमें इनवाइट किया गया है खाने पे और हर्ष ने बोला है कि फ्रेश हवा लो। मैंने शीशे खोल दिए। हाँ चलते हैं भाई। ये बहुत ज्यादा नहीं अंदर, कहाँ किसी कबीले में जा रहे हो? हमको बुलाया है पर यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं। पहले तो बहुत डर लग रहा था कि कहाँ आ गए हैं, बट जब आगे चल के देखा पूरा सेटअप किया हुआ है तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। ये बोलते आप लोग बैठिए हम सब करेंगे, बट मैंने कहा कि नहीं हम लोग भी आपके साथ मिलके आपकी हेल्प करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेलो गोले। हेलो। हेलो गोले। तू 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 इधर अलग से पार्टी चल रही है जिनको एसी में रहना है, और जो गांव में पले बड़े हैं वो यहाँ है। नहीं
शहर से लड़की आई जो कैसी अलग सी बैठी हुई है, कुछ दाने भून के देती ना जो अलग से। भूख के मारे सब वैन विला एक हुआ हुआ है और ऊपर देखिए उनकी बॉडी को गार्ड कर रहे हैं पांडे जी। हो जाएगा पांडे जी, बनेगा। तो दोस्तों भूख लगी है? हाँ मैडम। लगी है? हाँ, क्या बहुत चलो जोर से। बहुत जोर से, हमें आवाज नहीं आई जोर से। ये भी बेचारे वैन वाले थे कल तक, लेकिन आज इधर हलवाई बने हुए हैं। ऐसे लग रहा गांव में किसी की बेटी की शादी है और सब लोग मदद कर रहे हैं, और वो बेटी ये है। तेरी शादी की तैयारियां हो रही है, देख। हलवाई पहुंच चुके हैं। कैसे हैं? क्या बन रहा है? सब्जी बन रहा है। आपका जंगल में फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ससुर जी कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। पहले कभी ऐसे जंगल में आके ऐसे डायरेक्टर की चेयर पे ऐसे बैठे कभी? बैठा तो हूँ। कहाँ पर? गुजरात में। किधर? किधर देखो, याद भी नहीं है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। वो क्या हो रहा है? वो देखो क्या हो रहा है अर्श। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यही होता है यार गाइस, पहले यही सेम गाने पे आठवीं रील है, अलग अलग लोकेशन है लेकिन गाना सेम है। यही होता है, ये हमारे माँ बाप पहले हनीमून पे गए होते ना, तो आज जंगलों में जाके रीले नहीं बनाते। पांडे जी बारात कितने बजे है? 7:30 बजे। 7:30 बजे लग रहा है ना, जैसे आंवला। भूख अच्छो अच्छो को काम करवाती है। एक नया मुन्ना ने कुछ आविष्कार किया है, ट्राई किए प्रॉन्स, ससुर जी खा रहे हैं। ये बहुत टाइम लगाएगा आगे चल। सारी लड़कियों की शिकायत है कि पांडे जी रोटी जला रहे हैं। जंगल है, जलना चाहिए थोड़ा। रोटी और क्या, तब कड़क रहेगा। ज्यादा बोलो मत, तवा आपके पाट के ऊपर रख देगी, थाइस के ऊपर। पकड़ा मैं हूँ। मैं भी तो पीठ पे रख सकता हूँ उसकी। चलिए मैं थोड़ा लोनावला का जंगल एक्सप्लोर करती हूँ। अरे बाप रे, सांप वो अपना आ जाए भारती। ओह नो। बर्फ है? नहीं, जाले का जाला है। हाँ गाइस, ये है चींटियों का महल, आप देख सकते कितना ऊपर तक बना है। पांडे जी आप डर गए थे ना, हम अकेले गए थे कहीं, इसीलिए थोड़ा ज्यादा दूर हो गया ना पांडे जी। चलिए इधर से चलते हैं। चलो भाई चलो, चढ़ना पड़ेगा, ये चढ़ के फिर उतरो। One hour later. खाना रेडी हो चुका है, शीला पत्ते बिछा रही है सबके। शीला, ओ सॉरी शीला। इतना बड़ा पत्ता खुद थोड़ी बैठना है शीला। कार्यक्रम खत्म, और बात यह है कि सब बर्तन हम धो के जाएंगे। ये जो आग जलाई है इसमें पानी डाल के जाएंगे ताकि हमारे जंगलों को नुकसान ना हो। ये बात मैंने बोलनी नहीं थी लेकिन ना बोलनी पड़ती है, वरना लोग कमेंट्स कर देते हैं हर्ष कि आग जलाई लेकिन पानी नहीं डाला, इसलिए हर चीज बतानी पड़ती है ब्लॉग में। वाह मुन्ना भैया वाह, किसी और ने भी गंद फैलाया तो वो भी उठा दे मुन्ना। तो चलिए जी, जैसे कि कहा था कि आज आपको विला टूर मिलेगा। मैं थोड़ा चाहती थी कि अंधेरा हो जाए, हम खाना खाकर भी आ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं ये जो बंगलो है, इसका सबसे खूबसूरत नजारा वो है ये। कितना प्यारा है ये, वाह क्या बात है यार। ये एक एकड़ का विला है जी। ओ वाह वाह यार, मेरे को सच्ची कहूँ ये क्या हर्ष, ये खुलता है क्या कहीं से? खुलता। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कांच का पिंजरा है और उस पिंजरे में तुम हो, और ये है भारती की सही जगह। भाई, भाई।
क्या बात है यार, ये बहुत 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 माइंड ब्लोइंग है यार। सो गाइस, ये है इनका छोटा सा टीवी रूम कहते हैं इसे। इधर आप टीवी देख सकते हैं नेट के। पासिंग शॉट देती है। ये है दोस्तों यहाँ का बहुत बड़ा किचन। हाय हाय अंजलि, हाय 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 मोए मोए, बहुत अच्छा है। फिर आ गई, तो चलिए मैं बता दूं कि ओहो दीदी बताओ विला कैसा है। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत ही। आओ दिखाते हैं एक रूम नंबर वन। अरे वाह, ये हर्ष के मम्मी डैडी का रूम। क्या क्या क्या, मेरी मम्मी दो चप्पल लेके आ जाती है। ये जो तेरे पापा रात को खेलते हैं इसका क्या घर हुआ है, गोला होता रहता है। और जैसे हमने पहले दिखाया उसके साथ भी बालकनी है। अरे वो देखो वहाँ कोई और भी रहता है। हाय, अरे भालू। हाँ पहाड़ी इलाके में होते हैं। तो चलिए अभी जो मैंने भालू दिखाया था वो भालू किस कमरे में गया है इसका फिर दीक्षा। तो ये है भालू और बकरी का कमरा। भालू और बकरी और बारहसिंगा और भालू। इस विला में ना आप कहीं भी चले जाओ हर जगह बैठने के लिए स्पेस बना हुआ है। जैसे ये मतलब इस घर में अगर आप नाराज हो जाओ ना तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि इतनी जगह बैठने के लिए जगह बनी है कि कहीं भी बैठो। अब ये देखो चुगलियां चुगलियां। तो ये है हमारा हॉल फिर से पासिंग। यार ये लड़की क्या करती है, मतलब हम सब ने इस विला में आके बड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि खाना खा के दो चक्कर लगाओ फिर भूख लग जाती है। तो यहाँ पे हमारा राशन भी बहुत खत्म हुआ है। कि ये देखिए बाहर आते ही यहाँ भी एक बैठने के लिए बना हुआ है, चार कुर्सी और टेबल। और ये है पूल, ये है इनका प्यारा सा छोटा सा, छोटा तो नहीं है यार, 50 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। यह है इनका प्यारा सा एक बारबेक्यू सेशन, ये देखिए। और ये मेरे बेटा जब भी भागता है उसको गुजराती में गाड़ी बनाता है, उबर 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 उबर। मैं बता दूं कि यहाँ पे दो रूम है और वहाँ पे तीन रूम थे, पांच रूम टोटल। ये मास्टर बेडरूम है, यहाँ पे एक मेरा रूम है और एक मेरी मम्मी का, क्योंकि इस रूम में तीन लोग रह रहे हैं इसीलिए उनको बड़ा रूम दिया है इसीलिए। हाय, इनको कोई लेना देना नहीं। तो चलिए पहले अपना रूम दिखा देते हैं, यहाँ भी बैठने के लिए बना भाई, हर जगह बैठो, मतलब दो दो मिनट में आदमी बैठ। सो गाइस ये है हमारा रूम। शावर वाला ये देखो, हर्ष नहा रहा था तो ऊपर बंदर आ गया, ऊपर पूरा कांच का है, बंदर ने हर्ष को यहाँ पे नहाते हुए देख लिया। oh, no. ये है मेरी मम्मी का कमरा। ओ हो हो, ये भी देखो कितना बड़ा है। और ये लोग हमारे फैंस हैं दोस्तों, सब्सक्राइबर। हाय यार, सेम वॉलपेपर। मैं अपनी बहन को पिंकी वॉलपेपर देख, कितना अच्छा पिंकी। हिंदी हिंदी हिंदी, अमृतसर टेलीकास्ट नहीं होना। हम नया घर लेंगे ना तो ऐसा वाला वॉलपेपर, अगर नहीं लेंगे पुराने घर में नहीं करवा सकते। नहीं, हम नए में लगाएंगे। सो गाइस ये कमरा सेम हमारे जैसा है, हमारे जैसा ही बाथरूम है। और ये चिल मार रही है, अब ये दोनों माँ बेटी चुगली कर रही होंगी कि ऐसा घर लें और ऐसा कमरा होना चाहिए। सच में यार क्या स्टाफ है इनका, हर कोई स्माइल देता रहता है, बहुत अच्छे लड़के हैं। और जैसे मैंने आपको व्लॉग में आज देख लिया होगा कि तकरीबन लड़के उड़ीसा के हैं और वो आ चुके हैं। हेलो, अरे लड़के उड़ीसा के, अरे गुजरात का लड़का उड़ीसा के लड़कों के बीच में खुश होने आ गया बहुत ज्यादा। ओके सो अरे मुन्ना तू थोड़ी इनके बीच में है। हाँ हाँ, ये तो हमारा बंदा है, मिक्स कर लिया। सो भाई थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे हो आप लोग, हम बहुत जल्दी आएंगे वापिस।
इस बात पे खुश होना चाहिए ना। सो गाइस थैंक यू सो मच, आपके साथ रह के बहुत अच्छा लगा, बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। और बोल दीजिए ना जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, और बस यार दिल करता ट्रैवल ही करते जाओ बस। अरे और कहीं जाएंगे, इधर नहीं आ रहे। आ जाए, आते हैं फिर। चलिए गणपति बप्पा। मेरा ऐसा वॉक। अरे वैसा वॉक नहीं, वापिस चलते हैं। हर्ष यार मुझे डर लग रहा है। हर्ष मेरा बच्चा है यार, वहाँ पे